हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ जो है वीडियोस को शेयर करने के लिए, मेकअप की नई नई प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। आज भी क्योंकि मैं लेके आई हूँ एक हॉल वीडियो जो है, पर्पल का हॉल वीडियो है ये। पर्पल पे सेल चल रही है, उस पर काफ़ी डिस्काउंट मिलते रहते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स पे। तो ये प्रोडक्ट्स जो मैंने खरीदे हैं ये मेकअप में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये काफ़ी अफोर्डेबल बजट में है, रेंज में है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये अच्छा जो है ऑप्शन हो सकता है, आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए बातें ज़्यादा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन फिर से वही बात, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पैकेट को खोल कर देखेंगे कि हमने क्या क्या ख़रीदा है, ये आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। पैकेजिंग बहुत ही अच्छी देते हैं पर्पल से, जो पैकेट्स आते हैं बहुत ही स्ट्रांगली जो है इसको पैक किया जाता है। अब देखिए, इस डब्बे को मैंने अच्छे से टेप हटा लिया है। टेप हटाने के बाद में भी इसमें जो है, देखिए सारी प्रोडक्ट्स जो है एक बबल रैप में ही रैप करके आती है, इससे लीक होने का, टूटने का कोई भी चांस नहीं रहता है। देखिए सारी एक एक प्रोडक्ट को ये अच्छे से पैक करते हैं ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। इस पैकेट को भी देखिए कितना टाइटली पैक किया गया, इसको भी मैं कट करके निकाल लूँगी। जो है जितने प्रोडक्ट हैं सबको जो है मैं पहले कट करूँगी, उसको निकाल लूँगी, तो उसके बाद में वन बाय वन सबके बारे में बताऊँगी कि क्या चीज़ है, इसका क्या यूज़ है, मेकअप में इसका क्या काम है और इसकी प्राइस क्या है। प्राइस से लेके सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप मेरा टाइटल टच करिएगा, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, उसमें आपको सारी डिटेल प्रोडक्ट्स की मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है बजट फ्रेंडली हैं, बहुत सस्ती हैं, इसलिए मैंने जो है आपके साथ इसे शेयर किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि मेकअप बहुत महंगे आते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं, तो हम जो है ये सस्ती चीज़ों को मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसे एक ले लीजिए और आपका काम जो है मेकअप में चल जाए जो है, और आपको ज़्यादा पैसे भी ना खर्च करने पड़े। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, इनका मेकअप में क्या इस्तेमाल होता है। तो गाइज, मैंने पर्पल से कुछ चीज़ें जो है ऑर्डर की हैं। मैंने इस बॉक्स को ओपन कर दिया है, जो है आप देख चुके होंगे कि इसकी मैंने अनबॉक्सिंग कैसे की है। अब इसमें आपको मैं वन बाय वन बताती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है, उसका क्या यूज़ करते हैं हम मेकअप में, प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैंने मंगाई है वो है ये मेकअप प्राइमर। प्राइमर का यूज़ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये NYB का प्राइमर है। प्राइस इसकी है 255, लेकिन ये अभी डिस्काउंट जब में चल रहा है, इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मुझे मिल गया है। और ये एक जेल बेस्ड प्राइमर है जो है स्मूथली, आज मैंने जो मेकअप लुक क्रिएट कर रखा है इसमें मैंने इस प्राइमर का यूज़ किया है। ये स्किन पर इतना लाइट वेट है, आराम से पूरा स्किन पर एक साथ स्प्रेड हो जा रहा है और बहुत ही अच्छा है। मैंने तो फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये यूज़ करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे ले सकते हैं, प्राइस भी ज़्यादा नहीं, 250 का सबसे सस्ते वाले में ये प्राइमर आपको मिल रहा है। नहीं तो प्राइमर्स बहुत महंगे महंगे भी आते हैं। तो NYB का प्राइमर है, 255 इसकी प्राइस है, लेकिन डिस्काउंट के साथ इसको आप बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा। कितने का पड़ा है डिस्काउंट के बाद ये लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। प्राइमर का यूज़ तो मैंने बताया है, प्राइमर आपके स्किन के पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। मेकअप में जो है टोनर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, उसके बाद प्राइमर लगाते हैं मेकअप में, इससे स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है, फाउंडेशन वगैरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट आपकी स्किन पर नहीं पड़ता है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, स्किन एकदम जो है ग्लो करने लग जाती है। तो प्राइमर अगर नहीं लगाते हैं तो लगाना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिएगा फ़र्क आपकी मेकअप में, आपको खुद ब खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपने प्राइमर नहीं लगाया था तब आपका चेहरा का स्किन कैसा लग रहा था, और आपने जब भी प्राइमर लगा के मेकअप किया तब आपकी स्किन कैसे। इसे डेली के यूज़ में तो मैं नहीं कहूँगी कि आप इसे यूज़ करिए, क्योंकि डेली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं तो वो ज़्यादा आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आप डेली के लिए अगर आप प्राइमर यूज़ करना चाहते हैं तो एलोवेरा जेल यूज़ करिए। रोज़ ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे प्राइमर लगे कोई भी क्रीम लगाने से पहले, तो आप एलोवेरा जेल को यूज़ करिए, वो एज अ प्राइमर अच्छा काम करता है। और बाकी स्पेशल ओकेजन्स के लिए आप इस तरह के प्राइमर्स का यूज़ करिए, फिर देखिएगा मेकअप में चार चांद लग जाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली है वो है ये आपका टोनर है, ये गुड वाइब्स का टोनर है, रोज़ ग्लो टोनर। बारे में तो मैंने आपकी अपनी वीडियोस में आपको बता ही रखा है कि टोनर का काम क्या होता है, ये हमारी स्किन के पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है और स्किन को टाइटन इफेक्ट देता है। अगर आप टोनर का यूज़ रेगुलर कर रहे हैं तो आपकी स्किन में जो है टाइटनेस आ जाएगी और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी दिखेगी।
अग्रवाइस के प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं, पैराबिन फ्री होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। टोनर्स तो मार्केट में बहुत कॉस्टली, मैं अपने वीडियोस में आपको फेसेस कैनेडा का टोनर भी दिखा चुकी हूँ, वो 600-700 के आसपास आता है, लेकिन ये टोनर आपको मिल जाएगा सिर्फ 175 रुपीज़ इसके प्राइस है। लेकिन आपकी प्राइस के हिसाब से इसमें भी डिस्काउंट है, आप अगर गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो डिस्काउंट अच्छा खासा पर्पज पे चल रहा है, तो आप इसे ले सकते हैं। ये टोनर काफ़ी अच्छा है इसीलिए मैंने मंगा रखा है इसको। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें रोज़ की गुलाब की खुशबू आती है, गुलाब की खुशबू जिसे जिसे पसंद होगी उसके लिए ये गुलाब की खुशबू का वाला टोनर एक बार लगाइए, फिर देखिए आपकी स्किन में कैसे चेंजेस आते हैं। और मेकअप से पहले तो ज़रूर लगाइएगा, फिर देखिएगा मेकअप का लुक कितना अच्छा आता है टोनर लगाने से। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली है वो है NYB का कंसीलर। कंसीलर मेकअप में बहुत ही काम आता है, ये आई मेकअप के साथ साथ फेस मेकअप में भी जो है हाइलाइटिंग का काम करता है। आई मेकअप में जो है एज अ आई बेस इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कंसीलर बहुत ही सस्ता है, इसके प्राइस जो है 195 रुपीज़ है, लेकिन अभी ये सेल में जो है आपको मिल जाएगा सिर्फ 147 रुपये में ही ये कंसीलर मिल जाएगा। इसमें एक एप्लीकेटर भी मिलेगा जिससे आप आसानी से जो है इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी सेल ऑन है, अगर आप इसे लेना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली है वो है ये लॉन्ग आइलैंड NYB का लाइनर। ये जो है शिमर शिमर के साथ में है, इसके बहुत सारी यूज़ है मेकअप में। ये 80-85 रुपीज़ का पर्पल से मैंने मंगाया है, डिस्काउंट के बाद ये सस्ता, ये तो एक्चुअली इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन डिस्काउंट से इसका यूज़ किया है। आप हाइलाइटिंग में कर सकते हैं, जैसे आपकी ये ब्रो बोन है इसको हाईलाइट करने के लिए भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना इसमें शिमर है, वाओ, आसानी से हो भी जाएगा, झटपट आपका मेकअप भी देखिए यहाँ पे कर सकते हैं, कितना जल्दी इसमें शिमर इतना ज़्यादा है, देखिए एक बार में ही पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ भी आप इसको हाईलाइट करने के लिए लगा सकते हैं पार्टी मेकअप में, और बहुत सारे यूजेस हैं जो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगी कि इसके आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैंने मंगाई है वो है ये कंटूर स्टिक। जो पार्टी मेकअप होता है एक्चुअली यहाँ से कंटूरिंग ज़रूर की जाती है, उसमें बहुत सारे लेयर्स लग जाती हैं, ब्राइडल मेकअप में भी कंटूरिंग की जाती है। इससे क्या होता है कि आपका फेस जो होता है ना बहुत ही अच्छा शेप में दिखता है। ये देखिए कंटूर स्टिक, ये लिपस्टिक की तरह का है NYB का, और इसकी प्राइस इसमें तो लिखी नहीं है, बहुत ही सस्ता है ये भी, ज़्यादा प्राइस नहीं है, मैं लिंक दे दूँगी आप चेक कर लीजिएगा। कंटूरिंग करते हैं, कंटूर तो आपको मैंने बता रखा है, अगर नहीं आता है तो मेरी वीडियोस देखिए आपको पता चल जाएगा कंटूरिंग कैसे की जाती है। इससे ये नोज़ पे यहाँ पे लाइंस बना के फिर इसको स्मज किया जाता है, और चीक्स को पाउडर बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी लाइन खींची जाती है, और नीचे जॉ बोन पे भी कंटूरिंग की जाती है। कंटूरिंग कैसे करते हैं फुल डिटेल वीडियो मैं बनाती हूँ, तो आप उसको देखिएगा, इसके साथ में बता दूँगी तो आप सीख जाएंगे कि कंटूरिंग कैसे करते हैं। ये स्टिक लिपस्टिक के फॉर्म में है इसलिए मैंने मंगाई है, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ईजी होता है यूज़ करने के लिए। NYB के प्रोडक्ट्स वैसे भी बहुत सस्ते होते हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके बजट में अगर आप बिगनर हैं तो आप NYB के प्रोडक्ट से भी अपनी किट बना सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है, और साथ में जो है आपको ये देखिएगा ये लिपस्टिक जो है मैंने जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखाए ये भी है NYB की लिपस्टिक है, शेड नंबर एक्चुअली बहुत छोटा लिखा है ना तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्या है इसका शेड नंबर, और ये ब्राउन कलर की डार्क ब्राउन करके NYB की लिपस्टिक है, लेकिन ये मुझे फ्री मिली है बिकॉज मैंने इतनी सारी जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं और सबकी शॉप। तो गाइज देख रहे हैं जैसे कि ये लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर ली है, इसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, बोल्ड लुक है, जो है डार्क कलर है, रात में आप इसे लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा जो है। इस मेकअप पे मैंने इसको लगा लिया ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कलर कैसा है, वैसे भी फ्री का है तो बढ़िया ही होगा, ख़राब हो नहीं सकता है, फ्री की चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी चीज़ें मैंने जो है परचेज कर रखी हैं अगर आपको भी लेनी है तो सबकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपकी आसानी के लिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा साइट पे पहुंच जाएंगे, और आप जो परचेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वैसे भी सेल चल रही है, चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल रही हैं, अगर आपके पास कुछ मेकअप का प्रोडक्ट लेना है आपको या नहीं है जो आपको लेना आप चाहते हैं तो आप जाके फटाफट से सेल का फ़ायदा उठाइए, नहीं तो सेल ख़त्म हो जाने पे ये सब चीज़ें हाई कॉस्ट पे मिलती हैं।
गाइज ऐसी वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो है मेकअप में स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें कब लगती हैं और कैसे मेकअप किया जाता है, पार्टी मेकअप के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और पहले क्या लगाते हैं, उसके बाद फिर क्या लगाते हैं, फाउंडेशन कब लगाते हैं, कंसीलर कब लगाते हैं, सीरम का क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना तो नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगी आपको मेरी वीडियोज़ की। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ को आप ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहेंगे, मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी स्मार्ट and be safe।